48 घंटे के भीतर डबल मर्डर समेत चार लोगों की हत्या से हड़कंप यूपी के कौशाम्बी में। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 48 घंटे के भीतर चार लोगों की हत्या कर दी गई। ताजा मामला सराय अखिल थाना इलाके के रसूलपुर टप्पा गांव का है, जहां पुराने रंजिश के चलते दबंगों ने एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी हत्यारोपी फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दावे थे, हमारे पास फोन करे हैं, हम लोग आए थे, हमको कट्टे सुबह मारने जा रहे थे, हम लोग का भगा दिए, फिर उधर से आके मार दिए, एक फिर मार के सब लोग भाग गए। किसको मारे? नीतीश को। अरे यार, अनिल, अरविंद, अरुण, अनिल, अजमत, आकाश, सत्यजीत, वो जानवर चरा के आ रहे थे घर जाते। ये कहाँ के लोग को मारे? रसूलपुर टप्पा का। कट्टस मारे? कट्टस ही। फिर क्या हुआ? तो इंस्पायर हो गए। क्या नाम? रंजीश। क्या है तुम्हारा? सराय अखिल थाना क्षेत्र में रंजीश हत्या के बाद प्रकाश मैन की पोस्ट मौके पे है और अन्य विधि कार्रवाई की है। तो क्या उसमें भी सर कोई गिरफ्तारी या कुछ ऐसा? अभी प्रयास हो रहा है, अभी तुरंत के लिए अपना प्रयास करते हैं।